नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे के खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद ओल्ड वेंकटेश्वर नगर इलाके में एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। ये लोग बाद अज़ां पुलिस स्टेशन में शिकायत किए। पुलिस इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया और जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। मोहम्मद मोहसिन के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। तो मम्मी भाग के आए तो मम्मी को इधर बाल लगा था डोर का, तो मैं बचाने की कोशिश कर रही थी। आपको भी मारे बेटा उन लोग? कहाँ मारे बेटा? तो मारे यहाँ पर मरिया मम्मा लाए यहाँ पर मिल गए। जिसको मारे वो आपके पापा है बेटा? हाँ, मेरे पापा के भाई है, तो उसलिए मारे थे। बचाने गए तो पूरे जले लगे गए थे। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल समद पाशा है। मैं बंजाल पुलिस स्टेशन के अपोजिट में ओल्ड वेंकटेश्वर नगर का लीडर हूँ। 5 बजे के टाइम पे जो है सो ना, ये लोग अपने घर पे कैमरे लगाए थे। कैमरे लगाने के बाद में इन लोगों को जो है सो बोले गए, तुम लोग जो है सो कैमरे जो है सो मत लगाओ, अच्छा नहीं है। दूसरों के घरों के कैमरे से अच्छा नहीं रहता। आप लोगों को बोलने पुण्य की बात नहीं करे, बोले क्या करते उखड़ ले जाओ बोल के बड़े बड़े बातें करे। तो मजीद नाम करी बच्चा मेरे को कंप्लेंट करा, तो मैं बोला ठीक है आप आके पुलिस में कंप्लेंट करो। तो पुलिस में राइटिंग में कंप्लेंट देने के बाद में पुलिस वाले आके देख के काम एक कैमरे को हटा दिए, बाकी कैमरे वैसे ही रहे थे। जिसके बाद में जो है सो ना, मैं घर पे नहीं था, मेरे घर के बाजू आके गालियाँ वालियाँ देना शुरू कर दिए, लीडर मादा चौथ बहन चौथ वगैरह बोल के। उसके बाद में जो है सो ना, मैं जो है सो ना आने के बाद में मेरी गाड़ी रख के मैं घर में था। बाद में शायद नाम करी बच्चा आके बोला भाई मैं आपके माफ़ी चाहता हूँ। गुस्से में क्या बोल दिया कि नहीं मालूम मेरे को, मैं कैमरा बोल रहा मैं हटाने लगा देता हूँ, उसके बाद जो भी है मैं देखना और घर के जो है सो जिम्मेदारी लेके आपको हमें खड़ा करना। उस बीच जहांगीर, हाजी, खाजा और जो है सो ना उमर और उसका भाई खालिद खालिद आके माँ के लीडर, तू बुल्ले का लीडर, बैगन का लीडर, फला फले गंदे गंदे गालियाँ देके मेरे को बड़े बड़े बातें करके बोले कि मार देता हूँ, तोड़ देता हूँ। तो मैं शायद अच्छी बात कर रहा, तो मैं शायद को बोला क्या शायद मेरे मम्मी जबान है, मैं ही बात कर सकता हूँ, प्लीज़ आप मेहरबानी करके क्या करना चाहता हूँ, मैं इन लोगों को लेके चले आता हूँ। बोल के शायद उन लोगों को ले लेके चले गया। चले जाने के बाद में मैं अपने घर में आ गया, तो मेरा भांजा क्या करें, इन लोग जो गड़बड़ कर रहे थे वो रिकॉर्ड करने के बाद में मेरा भांजा वो रिकॉर्ड दूसरे भांजे को बताया। तो दूसरा भांजा जो सब बाहर खड़े रह के, ये मेरे मामू के ऊपर तो क्या बात करा, मियाँ बोल के बात करने गया था, ये बहस तकरार हो गई। अजीज खान को बीच में गैर जरूरी जैसे ना पत्थर डाल के मार देने की कोशिश करे उसको, और अजीज खान को अकेला मारे चार आदमी मिलके। तो हुकूमत से क्या चाह रहे आप लोग? हुकूमत से हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बस्ती में ये लोग रहना ही नहीं, अगर रहना है तो सिर्फ उनके माँ बाप ही रहना। एरिया का नाम क्या है? एरिया का नाम है ओल्ड वेंकटेश्वर नगर, अपोजिट पुलिस स्टेशन, अपोजिट विजय राम हाउस। मेरा नाम अजीज खान है, बंजारा हिल में 2005 से जो हमारी बस्ती को अंगार लगाने के बैठे खाजा, हाजी और उमर, जहांगीर, इन लोग पूरा बस्ती को बिका दिए। 12-13 जनों को घर से बेघर, उन्हें भी बेचा हुआ है घर, उन्हें भी बेचा हुआ है घर। इस वक्त हम लोग वहाँ यहाँ फिर के ML करने, MP करने, वहाँ यहाँ जाके हमारी बस्ती को हम लोग रुका लिए, रुक गई बस्ती हमारी, बड़े लोगों के सपोर्ट से रुक गई बस्ती। इस वक्त रुक गए तो बस्ती क्या करे, फिर भी रह के इन लोग खुद का घर भी बेचे हुए, इन लोग दूसरे घर खाली पड़े हुए, तो घर कब्जा कर रहे बेचारे जो गरीब लोग हैं, बच्चियाँ वाले हैं उनको खाली हम लोग बस्ती वाले खुद हेल्प करना चाहते हैं। आपको मारने वालों का नाम क्या है? मेरे को मारे से वाले का नाम है हाजी, चाकू लेके मारा उन्हें, छोटी कुड़ाड़ी है उसके ने हमेशा रखे, उन्हें पहले से बोल रहा थे कहना के बड़ा के बोल रहा उन्हें, उन्हें एक रियाज बोल के हमारी बस्ती का जो घर कब्जा करके डुप्लीकेट रजिस्ट्री बना लिए, ओरिजिनल पेपर वाले है हमारे साथ, लेकर आ रहा हूँ। कर रहे हैं 15-20 कंप्लेंट दिया हुआ तकरीबन, कोई एक्शन नहीं ले रहा। पहले जरा नगर में भी ऐसी करे, वहाँ पर भी 420 केस चल रहा है, उन लोगों का अभी भी चल रहा है, केस नंबर है 2277 से केस चल रहा है अभी, वो भी अम्मा भाईनाश भाया भाभियाँ पूरे केस में फिर रहे। फ्री का नाम क्या है? ये बस्ती का नाम है ओल्ड वेंकटेश्वर नगर, हम पैदा हुए यहाँ पर, हमारा अमल गड़ा हुआ है। ये लोग थे पहले कैसे किया है खाया खाजा वाला कैसे किया, तो खाली हमारे शेख अहमद साहब का, शेख अहमद साहब की एक बेटी है बिस्मिल्ला भी बोल के, इन लोग कालेश्वर की औलाद, अपने आपको कैसे शेख अहमद साहब की बच्ची पैदा करते, कभी कभी बोलते केसर का ने काम करूँ, केसर का मेरे सपोर्ट है, केसर मेरे घर को दो खुद मेरे घर को आ केसीआर, ऐसा बोलते हम आपको धमकियां देते देते ऐसा कर लेते आ रहा है आज तक, तो लोग काम कुछ भी नहीं करते, कोई बाहर लोगों को बाते कोई बाहर भी नहीं करते। ऐसा हमारे बेटू का मार दिया, मैं और मालूम भी नहीं था, ये छोटी बच्ची आके बोली तो हम लोगों को मालूम हुआ कि उन्होंने बाबा को मारे बोलके, छह जने थे, अभी उल्टा मैं अम्मी को भी मारे उन्होंने। मारने वालों के नाम क्या है? मारने वालों का नाम खाजा है, एक का नाम हाजी है और एक का नाम गौस है, और शाहिद, रियाज, उमर,
ये पूरे जने अभी मार के भी अभी नहीं क्या कर लेते कल ले जाओ बोल के बोल रहे। कंप्लेन दी आप लोग पीएस में? हम लोग उन लोग हम लोग से पहले चले गए, पुलिस वाले यहाँ पे आए तो हम लोग उनको रुका के जब बोले उन लोग ऐसे ही उनको बोले तो ना रुके। एरिया का नाम क्या है? हमारे ओल्ड वेंकटेश्वर नगर है। तो आप लोग क्या चाह रहे हुकूमत से? हम लोग ये चाह रहे कि हमेशा क्या रहे हैं हमारे बाबा कुछ मार रहे कभी भी आ रहे कोई दूसरा भी कर रहा तो हमारे बाबा को ही मार रहे तो हमारे को भी इंसाफ होना। ये कैसा है क्या हमेशा मारते रहेंगे लड़ते रहेंगे तो उन लोग कुछ भी कर रहे उन लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा। आज ही बाबा सुबह में उन लोगों के ऐसे झूठा केस डाले बाबा के ऊपर उन्होंने जाके आए आए बाद में भी उनके ऊपर थूका कोई भी नहीं था कोई भी नहीं था। तो आपके बाबा को जो मारे वो लोग बस्ती में रहते? पीछे रहते बस्ती में घर भेज दिए घर में भेज दिए दूसरे के घर में कब्जा करके बैठे हुए। सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।